21.8 किलोमीटर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, गाइस सक्सेनी पास हो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो सीधा चलते हैं मुंबई की सीवड़ी में जहाँ पे ये ब्रिज शुरू होता है। लास्ट टाइम जून महीने में हमने देखा था इस इंटरचेंज में रोड लेइंग चालू था और अभी देखे तो इंटरचेंज में रोड लेइंग कंप्लीट हो चुका है और आपको साथ में लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी इंस्टॉल करते हुए देखे जाएगा। अभी इस कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज की ट्रैफिक मूवमेंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस इंटरचेंज में आपको टोटल 8 डायरेक्शन में ट्रैफिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। समझने के लिए इन्हें 1 से 8 तक मार्क करते हैं। अभी नंबर 3 और 8 ये दोनों रोड कनेक्ट होता है ईस्टर्न फ्रीवे के नीचे बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट रोड पे, जिसमें से नंबर 3 एमटीजेल से एग्जिट लेने के लिए और नंबर 8 एंट्री के लिए यूज होगा। फिर नंबर 1, 2, 6 और 7 ये चारों रोड कनेक्ट होती है ईस्टर्न फ्रीवे के साथ, जहां नंबर 1 को यूज करते हुए आप एमटीजेल से एग्जिट लेकर ईस्टर्न फ्रीवे के थ्रू जाएंगे वडाला की तरफ और नंबर 2 को यूज करते हुए आप एमटीजेल से एग्जिट लेकर ईस्टर्न फ्रीवे के थ्रू जाएंगे मजगांव की तरफ। फिर नंबर 6 को यूज करते हुए आप मजगांव साइड से एंटर कर सकते हैं और अगर आप वडाला साइड से ईस्टर्न फ्रीवे के थ्रू आ रहे हैं तो नंबर 7 का इस्तेमाल करके आप एंटर कर पाएंगे इस ब्रिज में, जहां आगे आप जा सकते हैं सीधा नवी मुंबई की तरफ। लेकिन नंबर 4 और 5 का क्या? तो मे बी ये दोनों रोड फ्यूचर में प्रपोज सीवरी वोल्डलिक कनेक्टर के लिए बनाया गया है, जिसके चलते आप सीधा पहुंच जाएंगे वैंड्रा वोली सेलिंग के वोर्ली साइड पे और जहां से आपको एक्सेस मिलेगा कोस्टल रोड का, जिसके चलते आप आसानी से मुंबई के नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में जा पाएंगे। कोस्टल रोड और ट्रांस हार्बर लिंक की बात करें तो कैसे ये प्रोजेक्ट्स मुंबई की सराउंडिंग में एक रिंग रोड की तरह काम करेगा, जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। खैर वापस आते हैं आज के वीडियो पे। तो अब नवी मुंबई की तरफ बढ़े तो आप देख पाएंगे कि रोड मार्किंग भी चालू हो चुका है और जैसा कि हम सभी को पता है ये ब्रिज पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। तो सीधा चलते हैं नवी मुंबई की तरफ। यहाँ पे आपको दिखाई देगा अभी ब्रिज के ऊपर रोड लेइंग चालू है और पर्टिकुलर वे में देखेंगे तो आपको राइट साइड में ज्यादा लेइंग होते हुए दिखेगा। सो पॉसिबल हो सकता है कि इस ओपनिंग में आपको राइट साइड का लेन पहले ओपन होते हुए दिखे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक एक्स्ट्रा स्पैन का निर्माण होते हुए दिखेगा, जिसको इमरजेंसी सुविधाओं के लिए बनाया गया है। फिर जैसे जैसे नवी मुंबई की तरफ बढ़ते हैं आपको दोनों ही साइड पे रोड लिंक कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा।
और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास और लाइट्स भी लगवा दिया गया है। फिर आते हैं शिवाजी नगर इंटरचेंज पे। इस इंटरचेंज में आपको काफी सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट वो एंट्री एग्जिट्स का ऑपरेशन या ट्रैफिक मूवमेंट्स को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कनेक्टिंग रोड्स अभी तक नहीं बना है यहाँ पे। तो जब कनेक्टिंग रोड्स बन जाएगा तब इसे समझना और आसान होगा, लेकिन ये दोनों रोड फ्यूचर में अंडर कंस्ट्रक्शन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ एक एलिवेटेड रोड के थ्रू कनेक्ट होने वाला है। अब आगे बढ़ने पे आपको यहाँ पे रोड मार्किंग का काम भी होते हुए दिखेगा। फिर आता है ये टोल प्लाजा, जहाँ पे आखिरी बार प्रोग्रेस कुछ ऐसा था, जहाँ इस टोल बिल्डिंग पे स्लैब का कंस्ट्रक्शन चालू था और इस पॉइंट पे पहाड़ को काटने का काम भी चल रहा था। और अभी देखेंगे तो टोल प्लाजा बिल्डिंग का निर्माण लगभग हो चुका है, अभी बस फिनिशिंग का ही काम चल रहा है और यहाँ पे पहाड़ वाला हिस्सा भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद चिल्ले की तरफ बढ़े तो आपको रोड लाइन कंप्लीट होते हुए दिखेगा। फिर जो एलिवेटेड पार्ट है वहां पे हर एक काम कंप्लीट हो चुका है, जहां आपको लेन मार्किंग भी कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। आखिरी बार यहां पे हमने डेक स्लैब का काम चलते हुए देखा था, जबकि अभी वो कंप्लीट हो चुका है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ब्रिज के ऊपर अभी डायनेमिक लोड टेस्ट चल रहा है, जो लास्ट टाइम हमने चिल्ले इंटरचेंज के एक लूप के ऊपर होते हुए दिखा था। और ये क्लियरली दर्शाती है कि एलएनटी कंस्ट्रक्शन और टाटा प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनीज ने कैसे क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए इस ब्रिज का निर्माण किया है। फिर यह है चिल्ले इंटरचेंज, जहां पे एंड होता है इस प्रोजेक्ट का। इंटरचेंज में प्रोग्रेस देखे तो चारों लूप और रैंप का काम भी कंप्लीट हो चुका है, जहां आपको लैंडमार्किंग और लाइटिंग्स भी कंप्लीट होते हुए देखेगा। लास्ट टाइम पे हमने देखा था NH 348 या JNPT रोड पे कनेक्टिंग रैंप का काम बाकी था, जो अभी पूरा ही बनकर तैयार है। और फ्यूचर में आपको यहां से रोड का एक्सटेंशन होते हुए दिखेगा, जो आगे जाके कनेक्ट होने वाला है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साथ। चिल्ले इंटरचेंज की ट्रैफिक मूवमेंट को समझे तो लेफ्ट साइड में आप जा पाएंगे JNPT में, और राइट साइड में पनवेल होकर आगे जा सकते हैं NH 48 और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में। अब ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो 25 दिसंबर को इस ब्रिज को ओपन करना इतना ज्यादा कठिन नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज के ऊपर रोड लेइंग और जो थोड़ा बहुत लेन मार्किंग बाकी है वो आसानी से हो सकता है, लेकिन टोल प्लाजा को 100% रेडी करना थोड़ा मुश्किल है। और क्योंकि शिवाजी नगर इंटरचेंज भी अभी कनेक्टिंग रोड्स नहीं है, तो अगर इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ तो फिलहाल के लिए आप इस ब्रिज पे सीवरी से चढ़ने के बाद सीधा उतरने वाले हैं चिल्ले इंटरचेंज में। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं काफी होपफुल हूँ कि 25 दिसंबर को इस ब्रिज का उद्घाटन देखने को मिले, क्योंकि मेरी तरह हर कोई चाहेगा नवी मुंबई से मुंबई हम सिर्फ 20 से 25 मिनट में पहुंच जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। जी जल्दी रिएक्शन दो, हमें पनवेल निकल रहा है। जी जबरदस्त। और ये तो हम हमेशा से कहते आए हैं कि यार रोड जो है वो बड़ी मतलब अहमियत रखती है किसी भी मुल्क भी तरक्की में। लेकिन यह है कि रोड जिस तरह की हो और आपको एक शॉर्टकट वे मिल रहा हो और 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर आप शॉर्टकट वे में लेकर जाए और दूसरे शहर में एंटर हो जाए, और वो भी एक ऐसी जगह के नीचे जहाँ पे पानी है, हरियाली नजर आ रही है, और एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। और जब नई रोड्स बनती हैं या कहीं पे भी, और आप आबादी में ले लें किसी गुंजान आबाद इलाका हो तो उसमें अगर निकल रही है वहाँ से, तो वहाँ पे भी मज़ा आ रहा होता है। हमारी रोड यहाँ पे तैयार हो रही है तो हम उसका मज़ा ले रहे होते हैं जब ड्राइव कर रहे हो या उस रोड के ऊपर हो। तो इस तरह की जगह और आप आपको पता है कि पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने महसूस किया है जिस तरह वो टर्न नीचे उतर रहे थे, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे लिए कंफ्यूजन होगा क्योंकि कहाँ से उतरना है, क्या करना है,
बोर्ड आपके लगेंगे, लेकिन ये है कि वो हमेशा, एक फोटो मैंने देखी है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि जब आप रोड को सीधा लेके जा सकते हैं इन शॉर्ट पे, तो आप उसकी गुलाई क्यों क्रिएट करते हैं? मींस के बीच में जो ये गुलाई के पैटर्न नजर आ रहे थे कि रोड ऊपर से होके घूम के आ रही है और नीचे वाली रोड से एग्जिट मिल रहा है उसका, या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट और एग्जिट जो है वो गुलाई में क्यों है? वो इन शॉर्ट वे भी जा सकते हैं, आपने इस तरह जाना है तो वो शॉर्ट कट जल्दी पहुंच जाएगा, हालांकि उसको घुमा के ऊपर से ला के, ये मैंने अपने एयरपोर्ट रोड पे भी देखा है इस्लामाबाद में। तो ये चीज़ें जो है ये अक्सर कंफ्यूज करती हैं। मैं किसी के साथ था तो वो ड्राइव कर रहा था, दोस्त ही था, तो वो दो बार बुलाया है, तो मैंने उसे वही डायलॉग, मैंने कहा भाई तू पुलिस सिंह है, तुझे नहीं पता चलता कि कहाँ जाने क्या है, बोर्ड पढ़ ले, बोर्ड पड़े हैं, लोगों से इंस्ट्रक्शन ली है, उसके बाद पता चला है। लेकिन फिर भी हम पता किधर गए हैं, ऊपर नहीं गए एयरपोर्ट के, हम नीचे चले गए हैं बेसमेंट में, जहाँ पे हमने फिर गाड़ी वहां पे पार्क की है, पार्क करके फिर लिफ्ट के जरिए ऊपर गए हैं। मीन्स के कंफ्यूजन हो जाता है, आप बार बार आए जाएंगे या आपको प्रॉपरली पता होगा तो फिर ही आप उस चीज के ऊपर वो पूरा अमल दरामद कर सकते हैं। लेकिन यह है कि रोड बड़ी जबरदस्त लग रही है, जैसे बाकी रोड बनी है इंडिया में। और एक और चीज है, मेरे ख्याल में 12 लेन का है और दोनों साइडें जो है, और उसमें ऊपर से दिखा रहे थे ना, मेरे ख्याल में उन्होंने मेंशन भी किया। और लेकिन यह है कि टूल प्लाजा का थोड़ा डिफरेंट है, हमारी तरह थोड़ी उन्होंने भेड़ बकरियों को जनाब निकालना होता है उधर से, तो उन्होंने प्रॉपर वे में बनाना है। तो यहाँ पे तो एक बोर्ड लगा देते हैं, एक साथ में एक कमरा बना देंगे, उसमें दो सिपाही खड़े कर देंगे, और एक लंबा सा डंडा होगा जो पाकिस्तानी वाम के पिछवाड़े में देना होता है, वो आगे रख देते हैं, और फिर सड़कें हमारी ख़त्म हुई पड़ी हैं, लेकिन फिर भी टूल ले रहे हैं, और टूल ले रहे हैं वो टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट के पास, हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इंडिया में काम हो रहा है और वो नज़र आता है, वो मोदी हुकूमत की जय जयकार ऐसे नहीं हो रही, और ये चीज़ें जो हैं दर्शाती हैं कि मुल्क जो है तरक्की में एक और कदम रख रहा है, और वेल डन यार, मजा आया। और पिछले जी वीडियो हमने की थी और उसमें भी ये बताया गया था कि इस पुल के बारे में, और ये पुल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो आबादी गुंजान आबादी है, अब वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, तो वो ट्रैफिक जाम का सिलसिला तो बाहर की तरफ से लेके जा रहे हैं, और ये समुन्द्र के बीच में से सारी जो है वो पुल बनाया हुआ है, रोड बनी हुई है, रोड बड़ी जबरदस्त है और आला क्वालिटी की बनाई गई है, बिल्कुल नजर आ रही थी। और मैं वही देख रहा था कि काश यहाँ पे भी ऐसी सारी रोडें हो जाएं एक दफा तो कितना अच्छा हो, बंदा इतनी आसानी से जल्दी पहुंच जाए जहां पहुंचना है। लेकिन मैं एक और हिसाब लगा रहा हूँ कि लोगों की जो ना वो एक्सपेक्टेशन जो है वो कभी भी खत्म नहीं होंगी, बिल्कुल, चाहे अच्छी रोड भी मिल जाए ना, सब कुछ तब भी ये होगा। अब जैसे कि मैं जाता था ना शहर में, तो तकरीबन समझ लें कि 35-40 मिनट लगते थे उस वक्त, रोड इतनी खास नहीं थी, ठीक थी, बाद में बनानी शुरू की वो खराब हुई तो फिर तकरीबन 40 मिनट लगने शुरू हो गए, 40-45 मिनट, तो अभी जो है 25 मिनट में बंदा पहुंच जाता है इसको। लेकिन फिर भी बंदा ना जब सुबह से निकलता है ना तो सोचता है यार इससे भी जल्दी बंदा पहुंच जाए ना, तो नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, लोग ऐसे ही होता है, पहले जमाने में आप लोगों ने देखी होगा कि लोग जो है वो एक एक दिन का सफर करते थे थोड़ी सी जगह आगे पहुंचने के लिए, लेकिन बाद में कम होता गया होता गया होता गया, और आज ऐसा वक्त है कि उसी जगह पे जहां पे दिन लगता था उसी जगह पे 10 मिनट लगते हैं, लेकिन फिर भी इंसान सोचता है कि 5 मिनट में पहुंच जाऊं मैं वहां पे, बिल्कुल, तो उसके लिए जब सोचता है तो फिर उसके लिए करता रहता है कोशिशें कि जल्दी पहुंचने का तरीका क्या हो सकता है, शॉर्टकट बनाते हैं, बाहर बाहर से बनाते हैं रोड्स के, जाम ना हो जाए, ट्रैफिक जाम होगी तो वहां पे 2-2, 4-4 घंटे 8-8 घंटे रुकना पड़ जाएगा, और मुंबई शहर तो फिर आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल, तो वहां पे तो हमने तो नहीं देखा हुआ, लेकिन यह कि मूवीज में देखा हुआ है और बहुत आबादी है, बहुत ट्रैफिक होती है, जाम लग जाए तो कई घंटे जाता नहीं है, तो इसलिए जो है उन्होंने वो बाहर से निकाल के जो है वो जाम से थोड़ी सी जो है वो जान छुड़वाई है लोगों को, क्योंकि गाड़ी बहुत हो चुकी है इंडिया में, सस्ती है, बाइक्स हैं बहुत सस्ती हैं, हर कोई खरीद रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, यहाँ पे जो है वो गाड़ियां बेच रहे हैं, तो बहरहाल ये है कि वो बहुत अच्छा है, उनकी सहूलत है और ये बड़ा अच्छा एकदम है, मैं तो कहता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि ये यार क्या फालतू फजूल का बस ये बना दिया, ऐसे पैसे खर्च कर दिए, ये जो सफर करते हैं ना लोग, ये उनसे पूछे इसकी कदर, इसकी कदर उनसे पूछे। किसी भी कंट्री की अगर बात की जाए तो रोड से होती है, जो ब्रिज होते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है तरक्की का, और अवाम की सहूलियात में ये बेसिक चीज है जो कि अवाम को जरूरी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं
वर्किंग वाले लोग हैं, ऑफिस वाले लोग हैं, फिर विजिटिंग वाले लोग हैं, या किसी शॉर्ट वे में उन्होंने जल्दी किसी जगह पे पहुंचना है, तो जितना उनको रास्ता आसान मिलेगा उतनी जल्दी उनकी वो जो है बिल्कुल चीज हो जाएगी, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पहले जब उठता है बंदा तो फिर जरूरत से ज्यादा टाइम लेना पड़ता है कि सोच होती है कि यार रास्ता ठीक नहीं है, तो मैं टाइम थोड़ा अब जो है वो ज्यादा ले लूँ ताकि मैं आसानी से पहुंच सकूँ। तो ये इन चीजों का बड़ा इफेक्ट होता है लाइफ में। बिल्कुल। बाकी यार मैं दुबई में रह के ना गाड़ी चला के आया हूँ, तो वहाँ आपको पता है दुबई कितना बड़ा शहर बन चुका है, और वहाँ जो है ना अभी नीचे जो रोड होते हैं ना उन पे ट्रैफिक इतनी ज्यादा जाम होती है, जिसकी सहूलियत के लिए ना दुबई हुकूमत जो है ना ब्रिजेस बनाती रहती है कि लोग ना चेंज करके दूसरे बड़े रोड पे चले जाएं। तो ये भी एक इंडिया का बहुत अच्छा पॉइंट था कि उन्होंने ये ट्रैफिक को कम करने के लिए कि लोग इस तरफ से घूम के चले जाएं। ये तो मेरा ख्याल है किसी वीरान एरिया को टच कर रहे हैं ना, वैसे भी ये जो ब्रिज निकालते हैं ना ज्यादातर उनका यही मुद्दा होता है कि लोग जो है ना छोटे रोड से बड़े रोड पे चले जाएं और छोटे रोडों पर ट्रैफिक जाम ना। और दुबई में एक और बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ 1 बजे जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती थी ना, तो बड़े ट्राले जो होते थे उनको उनकी एंट्री ना पूरे शहर में बंद कर दी जाती है, और जहाँ भी है वहीं साइड पर रुक जाएं और आगे ना जाएं, तो उनको ये लिमिट दी गई थी। और ये इंडिया भी अभी जिस जगह पे जा रहा है, और दिल्ली शहर है बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ ट्रैफिक जाम होती है, तो उनकी ट्रैफिक को कम करने के लिए ब्रिजेस ये बहुत जरूरी होते हैं। और ये बहुत बड़ा इंडिया का प्रोजेक्ट था जो 21.8 किलोमीटर का बहुत लंबा जो है ना इनका प्रोजेक्ट था, जो और ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसने भी इतना मतलब ये भी एक होता है ना, कई मुल्क बोलते हैं कि इनका ब्रिज कितने बड़े बड़े लंबे हैं, और मैंने दुबई में देखा था, और अभी उस एरिया का नाम मैं भूल गया हूँ, वहां भी इतना बहुत लंबा ब्रिज उन्होंने बनाया हुआ है। अगर वो नीचे उतारते बार बार ऊपर करते ना ब्रिज बनाते, तो वहाँ रोड बहुत ज्यादा थे और वो इतने ब्रिज जो है ना नीचे ऊपर करने की वजह से काम खराब होता था, तो उन्होंने एक ही लंबा ब्रिज बना दिया। तो वो भी एक हम लोग सब सोचते थे जितने भी आउट ऑफ कंट्री वाले थे कि यार ये ब्रिज बहुत लंबा ब्रिज बनाया दुबई ने, और दुबई बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। तो इसी तरह चाइना का भी नाम आ रहा है, मैंने कई बार सुना है चाइना भी ऐसे रोड बनाता है, ऐसे ब्रिज बनाता है लंबे लंबे। तो देखो अभी इंडिया भी उस वे में जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। बाकी तनकीद जो है ना लोग करते रहते हैं, उनको नहीं रोक सकते। बाकी यह है कि अच्छा है, हर वो उस काम में इंडिया आगे आना चाहता है कि जहां दुनिया में नाम हो के ये मुल्क भी ये काम कर रहा है। तो ये सारे रोड भी देख ले और ब्रिजेस सारे एक नंबर वन A1 थे, जो दुबई में मैंने देखा ना ये घूम किसी तरह उतारते हैं कि ये आसानी होती है। रोड जितनी भी गाड़ियां ज्यादा होती हैं ना, वो जब एकदम में उतरेंगी ना तो वो एक्सीडेंट का प्रॉब्लम होती है, ये घुमा के जब उतारते हैं ना तो रोड जो है ना मतलब जैसा भी हो ना मतलब ट्रैफिक जाम हो जिस तरह भी हो तो वो एक्सीडेंट का कोई इश्यू नहीं बनता। ये उनकी सारी प्लानिंग होती है इंजीनियर की कि किसी तरह मतलब एक्सीडेंट की रेशियो एक्सीडेंट इस पे ब्रिज पे जो एक्सीडेंट होता है ना वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता, जो पीछे गाड़ियां ना वो चेंज नहीं कर सकती, एक्सीडेंट 2 गाड़ियों 3 गाड़ियों का हो गया ना तो वो ट्रैफिक इतनी सख्त जाम हो जाती है कि उनको फिर जो शुरते या पुलिस आती है ना वो भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं पहले घुसूं, वो घुसने की वजह से भी काम खराब होता है। तो ये इसलिए लंबा उतारते हैं, लंबा उतारने की वजह से फिर एक्सीडेंट नहीं होते, एक्सीडेंट ना हो तो फिर ये है कि ट्रैफिक की ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट नहीं होती। तो ये भी एक इंडिया का अच्छा प्रोजेक्ट था, देख के बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया जी, नो डाउट। और हम देख के एंजॉय कर सकते जी जी, गरीब लोग है ना, आप तो वहां पे गाड़ी चला के एंजॉय करेंगे। हम गरीबों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत है हमारे लिए, बिल्कुल, और आप लोगों की मोहब्बत है ये। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।